सारे बिहार के लोग आज रोए होंगे। मनीष मुस्कुरा रहा था, मेरी आंखों में भी आंसू थी, माँ के भी आंखों में आंसू थी। हम लोग वो सिर कलेजा लेकर पैदा हुआ है, हमारे अंदर में उतनी नहीं है, मेरी माँ के अंदर में भी उतनी नहीं है, ताकत नहीं है। चीज मेरे कानों में बोला और जब अच्छा, माँ के कानों में मनीष कैसे बोले? हाँ देख लो, ये मत सोच कि हाँ सिर्फ मैं ही तुम्हारा भाई हूँ, देख रहे कितने भाई है, जितने हजारों लोग देखा जाए भाई से मिलने के बाद बहुत मतलब उदास आप दिख रहे हैं। कैसे नहीं दिखूंगा बताओ, आप ही बताओ ना। किसी का पैर भी पकड़ना पड़े अगर तो पैर पकड़ने लायक, भाई के लिए आप पैर पकड़ने तक तैयार हैं? हाँ तो अभी मैं इसी सिचुएशन में कि हाँ भाई कैसे भी रह जाए, बिहार के बेटे को बिहार में ही रह जाए, बिहार के बेटे को बिहार में ही रहने दिया जाए, ऐसा इनका मांग है। हम कोई दिक्कत नहीं, बिहार के किसी भी कोने रखा जाए कोई दिक्कत नहीं है, बिहार में रखा जाए, बस बिहार में रखा जाए। बिहार क्या, मैं बोल रहा हूँ हिंदी भाषी के क्षेत्र में रखा जाए। जिस पल का इंतजार पूरा बिहार कर रहा था कि बिहार के लाल मनीष कश्यप बिहार कब आएंगे, हालांकि वो जो पल है कहीं ना कहीं खत्म हो गया और बिहार के लाल मनीष कश्यप को आज बेतिया कोर्ट में पेश किया गया। हालांकि इसके बाद तमाम लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या मनीष कश्यप अब बिहार रहेंगे या फिर बिहार से उनको तमिलनाडु फिर से भेज दिया जाएगा। इन सारी चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे। अभी हमारे साथ मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप है जो अभी उनसे मिलकर आए हैं और मनीष कश्यप को बेतिया से पटना ले गया गया है, बाकी इन सारी चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे। ये बताइए कि आप लोग लगातार इंतजार कर रहे थे कि कब उनको बेतिया कोर्ट में पेश किया जाएगा, हालांकि वहां पर पेश किया गया, क्या कुछ अपडेट है? बार बार इंतजार नहीं किया, बार बार स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत बार हम लोग गए कोर्ट में, बार बार नोटिस मिला कि हाँ मनीष को रिप्रेजेंट किया जाएगा लेकिन नहीं किया जा रहा था। लास्ट टाइम रिप्रेजेंट करना पड़ा राज्यपाल के हस्तक्षेप पे, फिर उसके बाद अभी दो कोर्ट में पेशी हुआ था, एक कोर्ट ने बोला कि हाँ जी आप बेतिया में आप इनकी इनको भेजा गया, फिर दूसरे कोर्ट में बोला कि 16 दिन का रिमांड दिया गया, 16 दिन का रिमांड का। फिर उसके बाद में पटना लेके गया गया, कल एक्चुअली वहाँ पे भी हायरिंग है, तो उसके बाद क्या होती है पर काफ़ी दिन बाद अगर देखा जाए तो मनीष कश्यप कहीं ना कहीं बेतिया के धरती पर आए। मुलाकात करने में कोई खास परेशानी नहीं हुई, तो अब हम लोग भी प्रशासन का सहयोग ही कर रहे थे। हाँ लेकिन मुलाकात हुई और सारे लगभग सारे बिहार के लोग आज रोए होंगे, लगभग बेतिया के सारे लोग आज मनीष कश्यप माँ की आंखों में भी लगातार आंसू देखा जा सकता है। मतलब पहली बार काफ़ी दिन बाद जब कोई ना भाई जो है कहीं ना कहीं अपने भाई को देखता है, माँ जो है एक बेटे को देखती है इस प्रकार से। बिल्कुल, मेरी माँ को तो छोड़िए, बहुत ऐसे माताएं मिली मुझे जो रोते हुए आंखों में आंसू थी, मुझे भी लगा कि हाँ नहीं एक माँ मनीष की नहीं है, हजारों माँ है। और जिस तरह समर्थन मिला, जिस तरह लोग आए, पुष्प वर्षा किए, फूलों से बारिश किए, अब लोगों को समझना होगा, चाहे जिनको लगता है कि मनीष सही काम नहीं किया है, उनको इस चीज़ को देखकर समझना होगा कि हाँ क्यों इतने लोग पागल हैं, क्यों इतने कोर्ट परिसर में भी हजारों की भीड़ क्यों इकट्ठा हो गई, लोग क्यों फूलों की बारिश कर रहे हैं, लोग क्यों मनीष का सब जिंदाबाद के नारा लगा रहे हैं, मनीष के पीछे क्यों जा रहे हैं, गाड़ी के पीछे भी जा रहे हैं, उन लोगों को समझना होगा कि हाँ नहीं मनीष। अच्छा, बिहार अभी आप भाई से मिले हैं, एक फोटो सोशल मीडिया पर इस समय काफ़ी वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि मनीष कश्यप मुस्कुरा रहे हैं, आप भी मुस्कुरा रहे हैं, साथ में आपके माँ भी मुस्कुरा रही है। कई लोग सोच रहे थे कि मनीष कश्यप टूट गए होंगे, लेकिन मिलने के बाद क्या लगा है? मनीष मुस्कुरा रहा था, मेरी आंखों में भी आंसू थी, माँ के भी आंखों में आंसू थी। हम लोग वो सिर कलेजा लेकर पैदा हुआ है, हमारे अंदर में उतनी नहीं है, मेरी माँ के अंदर में भी उतनी नहीं है, ताकत नहीं है। मिलने के बाद क्या कहा है उन्होंने? बस बोला कि हाँ अपना ख्याल रखना और सही से रहना, तुम्हारे पीछे भी लोग पड़ेंगे, तो अपना सिक्योरिटी लेके चलना, चाहे किसी के साथ चलना, अकेले मत जाना। और जिस तरह भीड़ मिली, और ये भी बोला कि हाँ जे ये सिर्फ मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, ये जितने हजारों लोग अब सोचिए कि कहीं ना कहीं अपने भाई से मिलकर आ रहे हैं और हर कोई इंतजार कर रहा था कि मनीष कश्यप का बेतिया में जो है कब पेशी होगा, हालांकि वो इंतजार की जो घड़ी है वो खत्म हो गया और सुबह में ही बेतिया रेलवे स्टेशन पे मनीष कश्यप को लाया गया, जहां पर हजारों की संख्या में उनके जो चाहने वाले हैं वो पहुँचे और फूल माला से कहीं ना कहीं स्वागत किया गया है। अब यहाँ से मतलब आपके आँखों में भी लगातार देखा जाए भाई से मिलने के बाद बहुत मतलब उदास आप दिख रहे हैं। कैसे नहीं दिखूंगा बताओ, आप ही बताओ ना, आपका भाई रहा था तो कैसा लगता? लेकिन भाई ने बोला कि हाँ
सिर्फ तू मेरा भाई नहीं है, देख तेरे पे देख कोर्ट के परिसर में जाकर एक झलक देख ले, ये सारे तुम्हारे भाई है, ये मत समझना सिर्फ तुम्हारा मनीष ही भाई है। हाँ। जैसे मैं काम करता था तो किसी से कुछ भी मत, लाखों लोग मनीष कश्यप के समर्थन में, पूरा सोशल मीडिया पर एकदम से बार सा आ गया है जब से मनीष कश्यप बिहार आए हैं, आई सपोर्ट मनीष कश्यप, तमाम जो लोग हैं शेयर कर रहे हैं, हर जगह ट्रेंड भी हो रहे हैं। बिल्कुल, अब आप लोग को समझाना होगा, जिनको लगता है मनीष बुरा है, मनीष बुरा नहीं है, अगर बुरा रहा तो हमेशा इतनी भीड़, इतने फूलों की बारिश, इतने मनीष कश्यप जिंदाबाद के नारे नहीं लगते, इतने ट्विटर पर आज भी ट्विटर पे छठे नंबर पे है, ट्रेंड नहीं करते, चाहे इतने लोग उनको प्यार नहीं करते। प्लीज़ जो भी जिसको भी लगता है कि मनीष सही काम नहीं करता है, तो एक बार इन भाइयों को, इन माताओं को, इन चाचा को, इन इतने बिहारवासियों को एक बार देखे और अपना हठ जो अपना दिल में बसा कर रखे, नहीं मनीष को थोड़ा सा परेशान करना, प्लीज़ आप बिहार के लिए, हमारे परिवार के लिए थोड़ा सा रहम बरते। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, अभी तो बिहार आ गए हैं, हालांकि बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल चल रहा है कि क्या उनको फिर बिहार से तमिलनाडु लेकर जाया जाएगा, आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए दो कोर्ट, दोनों कोर्ट में मनीष को बेतिया में ही, एक कोर्ट ने बेतिया में रहने के लिए बोल दिया और एक कोर्ट ने 14 दिन के कस्टडी में दे दिया। अब आगे हम लोग तो छोटे आदमी है, छोटे परिवार से, मिडिल क्लास फैमिली से, हम लोग हमेशा ये चाहते हैं कि मनीष कश्यप को बिहार में ही रखा जाए, क्योंकि बिहार से बाहर जाने पर वहाँ पर भाषा भी अलग है, खान पान भी अलग है, हर चीज़ बिहार से काफ़ी अलग है, तो बहुत परेशानी भी होता होगा, तो आप लोग भी चाहते हैं कि उनको बिहार में ही रखा जाए? हम लोग भी चाहते हैं और सारे लोग चाहते हैं कि हाँ, जो हमारे मुख्यमंत्री है, हमारे अभिभावक तुल्य है, बहुत दिन से हाँ, बिहार के सत्ता उनके हाथों में 15 साल, और बहुत मगर सहनशील आदमी है, क्योंकि मनीष कश्यप ने उनके विरोध में बहुत सारे वीडियो बनाया था, कभी कोई एक्शन नहीं लिया। प्लीज़ इसमें हस्तक्षेप करें, बिहार के लोग चाहते हैं कि मनीष बिहार में ही रहे। हाँ, जो चल रही है कानूनी प्रक्रिया चल रही है उसको चलने दीजिए, कोई बात नहीं, हम लोग जाएंगे कोर्ट में, अपना दलील रखेंगे, सामने वाला दलील रखा, जो भी कोर्ट बोलेगा उसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन बिहार के बेटे को बिहार में ही रहा जाए, बिहार के बेटे को बिहार में ही रहने दिया जाए, ऐसा इनका मांग है। अब सोचिए कि अगर कोई नेता मंत्री अगर अपने शहर में आता है तो शायद इतने सारे लोग जो है देखने के लिए नहीं उमड़ेंगे, लेकिन मनीष कश्यप कहीं ना कहीं अपने लिए पहले से ही नहीं सोचा है, हमेशा से बिहार के लिए सोचा है, हमेशा से बिहारियों के लिए सोचा है, हमेशा से गरीब मजदूर किसानों के लिए सोचा है कि कैसे बिहार को बेहतर बनाया जाए, और यही कारण है कि जब वो बेतिया में पहुँचे तो हज़ारों की संख्या में उनके चाहने वाले जो हैं कहीं ना कहीं उनके स्वागत में पहुँच गए। ये बताइए कि अभी उनको पटना लेकर गया गया है, वहाँ पर क्या क्या कुछ होगा? वहाँ पर भी रिमांड लगा था तो वहाँ पर कल सुनवाई है, अब देखिए वहाँ से क्या होती है, लेकिन दो कोर्ट बोल दी है कि मनीष को बेतिया में रखा जाए। अच्छा, हमको कोई दिक्कत नहीं, बिहार के किसी भी कोने रखा जाए कोई दिक्कत नहीं है, बिहार में रखा जाए, बस बिहार में रखा जाए, बिहार क्या मैं बोल रहा हूँ, हिंदी भाषी के क्षेत्र में रखा जाए, बस यही यही गुजारिश है, यही प्रार्थना है। मनीष कश्यप के अलावा अगर देखा जाए तो और भी कई लोगों पर FIR दर्ज हुआ, तमाम नेशनल चैनल पर भी FIR हुआ, लेकिन सारे लोगों को बेल मिल गया, क्या कारण है कि एक मनीष कश्यप पर ही NSA लगा के इतना दिन से जेल में कैद रखा जाता? इसमें अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बस इस समय मैं गुहार लगाने के लायक ही हूँ, किसी का पैर भी पकड़ना पड़े अगर तो पैर पकड़ने लायक, भाई के लिए पैर पकड़ने तक तैयार है? हाँ, तो अभी मैं इसी सिचुएशन में कि हाँ भाई कैसे भी रह जाए, क्योंकि इतना प्यार, इतना दिनों बाद माँ से मिला है, मेरी माँ के आँखों में हमेशा आंसू, कब तक रहेगा, एक वो भी एक आर्मी की पत्नी है और एक मेजर की बहू है, जो स्वतंत्र सेनानी भी रहा, जो चाइना की लड़ाई भी लड़ चुका है। हाँ। तो प्लीज़ जो जय जवान जय किसान बोलते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप जब मनीष भैया को देखे हैं पहली बार, क्या मन में चल रहा है? एक बिहार का उम्मीद, जो पूरे बिहार की जनता एक उम्मीद लगा के बैठी है कि मनीष कश्यप आएंगे, हमारे बिहार की आवाज़ों को दिखाएंगे। हाँ। वहीं दिखाए हमको। आप लोग क्या चाहते हैं? बस हम लोग यही मांग है कि उनको बिहार में रखा जाए। अच्छा, बस यही मांग है कि बिहार में रखा जाए, बिहार से बाहर नहीं लेके जाए। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, मिलने के बाद क्या सोच रहे हैं मन में? बहुत अंदर से टूट चुके हुए हैं लोग, ये उम्मीद नहीं था कि ये बेतिया से वापस फिर मनीष जी जाएंगे। मैंने रात दिन जो 24 घंटा होता है 24 घंटा मेहनत किए थे लोग।
अब सोचिए कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये लोग भी है पिछले कई महीनों से लगातार अपने भाई को कहीं ना कहीं इंसाफ दिलाने के लिए, रिहा कराने के लगे हुए हैं। हालांकि इसके बाद भी कहीं ना कहीं कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, लेकिन अब उम्मीद जगा है कि हो सकता है कुछ महीनों में मनीष कश्यप बाहर निकल जाए। बिल्कुल, अगर बीजेपी के तमाम जो नेता है और भी तमाम जो लोग हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, जो अच्छे लोग हैं वो सपोर्ट में आएंगे। अब हमारा केस बीजेपी के बीजेपी नेता ही हमारे पे केस किया, तो ऐसा किसी लोग लगता है कि हाँ हम लोग बीजेपी के समर्थन करते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। आप देखिए हमारे केस की हिस्ट्री देखिए, बीजेपी विधायक हमारे पे केस किया, जो हम लोग आज जो पेशी हुई है किसका है, उन्हीं का तो है। तो अच्छे लोग हमारे समर्थन में है, और जो भी अच्छे लोग आ रहे हैं समर्थन में आ रहे हैं, और मनीष ने जो भी गलत जो काम किया है उसके विरुद्ध में वीडियो बनाता था, आवाज़ उठाता था, क्योंकि उसके मन में थी कि बिहार में तकदीर और तस्वीर बदलने की, बिहार के लोग, बिहार के मजदूर बिहार में ही काम करें, बिहार के के लड़के शिक्षा बिहार में ही ले, बिहार के लोग स्वास्थ्य का बिहार में ही ले, बस यही उसकी चाहत थी। और इसी उम्मीद से पुणे से बिहार में आया था, और बिहार के लोगों ने दिल में बसा लिया, और धीरे 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 बढ़ते गया, उसके आवाज़ भी बुलंद होती गई, दूर दूर तक आवाज़ पहुंचती गई। लेकिन हाँ, कभी कभी आदमी रास्ते में जाता है तो कभी कभी कांटे भी आती है, चुभन भी होती है। कि आर्थिक रूप से भी बहुत ज़्यादा, मतलब लगातार आप लगे हुए थे भाई के लिए, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट में भी पैसे लगे, उसके बाद तमाम जगहों पर और भी जगहों पर पैसा लगा। जी, पैसे की यहाँ पे बात नहीं, पैसे के लिए तो हम लोग खुद को भी बेच देंगे। अब लोग सारे बिहार के लोग इतना प्यार कर रहे हैं मनीष से, मैं तो उसका भाई हूँ। जिस तरीके से लाखों बिहारियों का प्यार मिला, इसे देखकर कहीं ना कहीं सीना गर्व से जो है, कहीं ना कहीं सीना जो है चौड़ा हो गया कि इतने सारे लोग अभी भी समर्थन कर रहे हैं। वहीं मेरे भाई ने देखा कि हाँ, जैसे ही स्टेशन में उतरा, फूल की बारिश, फिर कोर्ट परिसर में, तो वहीं बात एक चीज मेरे कानों में बोला, और जब आपके कानों में मनीष कश्यप बोले, हाँ देख लो, तो बाद में फिर बात हुई कि हाँ, पूछे कि क्या, तो बोले कि हाँ देख ले, तुम्हारा एक सिर्फ ये मत सोच कि हाँ सिर्फ मैं ही तुम्हारा भाई हूँ, देख ले कितने भाई है, कितने के भाई तो मनीष कश्यप के लिए प्यार है लोग। अंत में सरकार से क्या कहना चाहेंगे? बस यही गुजारिश है, निवेदन है कि मनीष को बिहार का लड़का है, बिहार में ही रखा जाए, बस यही उम्मीद है। आपसे उम्मीद भी है कि प्लीज़ हमारी माँ का, मेरे जो आर्मी में मेरे फादर है उनका, जो मेरे आर्मी में मेरे अंकल है उनका निवेदन है, और हाथ जोड़ से प्रार्थना है कि मनीष को बिहार में रखा जाए। हाँ, जो चल रही है केस मुकदमा चल रही है, हम लोग कोर्ट में जाएंगे, अपने दलील पेश करेंगे लोग, तो दूसरी बात हो गई, लेकिन मनीष को बिहार से बाहर नहीं भेजा। बाकी मनीष कश्यप के भाई जो है करण कश्यप जी हमारे साथ बात कर रहे थे, और अभी अभी मनीष कश्यप जो है बेतिया कोर्ट में उनका पेशी हुआ है, हालांकि इसके बाद पटना गए हैं। अब वहां पर क्या कुछ होगा सारी अपडेट हम आप तक दिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन मनीष कश्यप जिस तरीके से बिहार में आए हैं, आपने देखा होगा कि एक बार फिर से पूरे देश में ट्रेंड करना शुरू हो गए हैं। बाकी आप लोग मनीष कश्यप के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें ज़रूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।